सारे भाई हैं भाई मेरी, राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं अभी आया हूं पाटोदा गांव में। कौन सा ज़िला है, कौन सा क्या कुछ है, आप हिसाब किताब लगा लीजिए और कमेंट बॉक्स में मैंने बता भी दियो भाई। यहां पर एक लोकेशन है, ये पार्क बहुत बड़ा है, कॉलेज है, राजकीय महिला महाविद्यालय कुलाना झज्जर, आपको अगर दिखा पाऊँ तो। हमारे यहाँ पर हमारे सर हैं, प्रिंसिपल सर, हमसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। सर ये कॉलेज किस तरह से बनाया गया है, क्या कुछ इसकी प्लानिंग है सर? ये कॉलेज ने 2 साल हुए हैं अभी स्टार्ट हुए जी सर। और यहाँ 2 ही क्लास हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जी। और 2 स्ट्रीम हैं, आर्ट्स साइड और कॉमर्स साइड। तो अभी उभरता हुआ कॉलेज है। अच्छा जी। इस कॉलेज की नींव किन्होंने रखी थी? धनखड़ साहब ने जी। धनखड़ साहब। तो अभी आगे की प्लानिंग क्या है फर्दर, मतलब अभी कॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा? कॉलेज का ये तो ने टेम्परेरी बिल्डिंग है, इनकी जो परमानेंट बिल्डिंग है यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बन रही है जी, कंस्ट्रक्शन जारी है उसकी। अच्छा जी। तो इन 2रा साल अभी शुरू हुआ है। हाँ जी। बच्चे सेटिस्फेक्शनली आ रहे हैं? हाँ जी, यहाँ के बच्चे रेगुलर हैं, पूरे के पूरे बच्चे आ रहे हैं। अच्छा जी। और हमारे पास 112 बच्चे हैं जी, और लगभग सारे आ रहे हैं। रिजल्ट सही? रिजल्ट बढ़िया है, यहाँ का 100% रिजल्ट है। तो सर किसी चीज़ की कोई कमी यहाँ पर? बस वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, अभी टेम्परेरी रहेगी 2 साल के लिए। जब जी अपनी जी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर आप? फाइन, आप सुनाइए। एकदम बढ़िया सर। इस कॉलेज के बारे में आपका क्या कुछ कहना सर? कॉलेज के बारे में, पिछले साल ही यहाँ डेपुटेशन पे आया था जी, और एडमिशन हो चुके थे जी। तो मुझे लगता है 50 लड़कियां बीए फर्स्ट में एडमिशन लिया था और 10 लड़कियों ने बीकॉम में जी सर। इस साल भी वैसा ही रुझान कुछ बी और बीकॉम के लिए रहा है यहाँ लड़कियों का जी। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि कॉलेज की बिल्डिंग होती तो शायद और ज़्यादा बच्चे हमारे पास होते, तो अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि हम और ज़्यादा बच्चों को अकोमोडेट कर पाएँ, क्योंकि कॉलेज जो है वो मेकशिफ्ट पोजीशन में है अभी। और मुझे लगता है 2-3 साल और लगेंगे अभी कॉलेज की बिल्डिंग को बनने में, जो कि यहाँ पास के गांव कुलाना में बनने वाला है जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कॉलेज में नेक्स्ट जो बिल्डिंग बन रही है कब तक वो तैयार हो जाएगी, कुछ इस बारे में? उम्मीद है सर 2 साल में हमें मिल जाएगी। मिल जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि उसका काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, लगे हुए हैं। मतलब डिले तो नहीं है ना वो? नहीं, डिले नहीं है सर, हो जाएगा। जो उन्होंने टाइम लाइन दिया है उस तक हो जाएगा पूरा। ठीक है सर। नमस्कार मैम। हेलो, कैसे हैं मैम आप? फाइन। अच्छा यहाँ पर लड़कियों के लिए कैसी सुविधाएं हैं, कितना पीसफुल है या कितना कंफर्टेबल है लड़कियों के लिए आना जाना? कंफर्टेबल तो है, बिकॉज बस वहीं पे हाईवे पे ही छोड़ती है एंड वहाँ से बस यहाँ तक कम्यूट करना है। ओके। तो उसके लिए ऑटो सर्विस है एंड और अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो वी इंश्योर कि यहाँ से हमने मतलब और जो गांव के लोग हैं उन लोग का आना जाना बंद कर रखा है, हमने उनको अल्टरनेट वे दे रखा है वहाँ से जाने के लिए, जस्ट टू इंश्योर देयर सेफ्टी। और हम इन लोग को हमेशा मतलब अगर किसी को जाना भी होता है एप्लीकेशन लेके लिख के ही जाते हैं, अदरवाइज हम अलाउ नहीं करते। तो वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और जो मेन इनके हाइजीन के लिए वी हैव वॉशरूम, इनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी फैसिलिटीज हैं। मतलब कंफर्ट है, लड़की आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू? हाँ, होपफुली यस। कोई टीजिंग का मामला? कोई टीजिंग का मामला नहीं? नहीं, वो तो ऑब्वियसली सिर्फ इन्हीं के पार्ट पे, मतलब इन्हीं के पार्ट पे उसकी जरूरत नहीं है, वो तो सोसाइटी के पार्ट पे भी जरूरत है। एंड थिंक अगर इतना लड़कियों का टर्न आउट है तो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस देयर। ओके, थैंक यू जी। तो अभी मेरी बहनें खड़ी हैं बहुत सारी और इनसे हम शुरुआत करते हैं। ये था एक कॉलेज के बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी, कॉलेज कैसा है, किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी बातें मैंने बताई। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, यहाँ का जो माहौल है एक ऐसा माहौल है कि पेरेंट्स अपने बेटियों को, अपनी बहनों को ज़्यादा दूर भेजते नहीं हैं। तो गवर्नमेंट ने, यहाँ के ओम प्रकाश धनखड़ जी जो कृषि मंत्री, उन्होंने सोचा कि इस विषय पर क्या किया जाए, यहाँ पर एक कॉलेज का निर्माण करवाया गया भाई, इसीलिए कि बेटियों को ज़्यादा दूर पढ़ाई में दिक्कत ना आए, पास की पास वो एक मैनेजमेंट तैयार की जाए, तो उस हिसाब से कॉलेज का निर्माण चल रहा है। और ज़्यादा परेशानी ना हो तो एक सिंपल सी एक जगह बना रखी है और यहाँ पर इनकी क्लासेस लग रही हैं। तो आज इनके साथ शुरू करते हैं हम मस्ती की। ओह, याद तो रह गया इनका, नहीं तो अभी तक तो गुमसुम बैठी थी। तो बेबे ठीक सो सारी? मैं आपको बता देता हूँ, इधर की लड़कियाँ थोड़ी सी कॉमर्स की हैं
और इधर की लड़कियां थोड़ा सा आर्ट की हैं। अच्छा सारी लड़कियां? अच्छा देखो, आर्ट वाली लड़कियों पे स्माइल है और उधर वाली लड़कियों पे थोड़ा सा टेंशन है, क्योंकि कॉमर्स थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और आर्ट वाले बिना पढ़ाई के पास हो जाते हैं, ऐसा ही है क्या? देख बुरा मान गई ये लड़कियाँ, तो भाई ये लड़कियाँ बुरा मान गई, बुरा मानने का मतलब ये है पढ़ाई तो ना करनी पड़ रही है ना बे? तो इधर कौन आ सकता है कुछ, अगर मैं किसी से बात करूँ तो कोई भी लड़की? बेबे तू आ जा, बेबे ठीक से? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। जमाराज जी? जमाराज जी। जमाराज जी। कौन कौन सी क्लास में? मैं बी ए सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर हो गया? कंप्लीट हो गया। मतलब कोई एक आधा सब्जेक्ट रह गया हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ना ना छोड़ना हो कुछ मत। तो सारे सब्जेक्ट हैं पास? कौन कौन से सब्जेक्ट थे? पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश तो आसान थी मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर की। हाँ इजी थी। और पॉलिटिकल साइंस और वो तो उससे भी इजी है पॉलिटिकल साइंस तो। मतलब पर्ची आराम से बना के बना सकता हूं? पर्ची का हमारे यहां कोई चलता नहीं है चक्कर वक्कर। किताबें खोल लो? किताबें खोल पढ़ते हैं अपने दिमाग से। अच्छा अपने दिमाग से पढ़ा? मैं पढ़ा करता हूं तो इसके दिमाग से पढ़ा करता हूं। हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा हमारा सर तुम्हें क्या देख रहा था भाई, पर्ची बना के लीजिए और क्यों टाइम खराब करो? नहीं बोल देते हैं कई कई। अच्छा आपके सर बोल देते हैं? नहीं नहीं हमारे नहीं, आपके आप कह रहे हैं ना आपके बोल देते होंगे। अच्छा तो अभी आप किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। धारा 370 जो खत्म हुई, जम्मू कश्मीर और सब जानते हैं इसके बारे में तो। ओह माय गॉड, मतलब क्वेश्चन पूरा हो यानी यार जवाब रेडी। तो ले बेबे लगातार एक मिनट बोल के दिखा 370 पे। हाँ। धारा 370 जम्मू कश्मीर में थी, इसके अकॉर्डिंग है ना पहले हमारा जो संविधान है ना उनके संविधान पे लागू नहीं होता था, जो हमारा देश का तिरंगा है ना उनसे अलग था, वो बिल्कुल एक अलग राज्य बना हुआ था। लेकिन जो 370 की जो 370 धारा अब मोदी जी ने हटा दी है, मैं मोदी जी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, तो ये काम बहुत अच्छा किया 370 हटाई, क्योंकि अब हम वहाँ पे जाके जमीन भी खरीद सकते हैं, क्योंकि 35A भी हटाया गया है, अब हमारा देश का तिरंगा वहाँ पे भी लहरता है, उनका कोई अलग नहीं है। महबूबा मुफ्ती अपनी अकड़ में नहीं रह सकती कि अलग से सब कुछ है। थैंक यू भाई। छोरी ने पानी पिया, एक सांस में इतना बोल दिया, इतना ज्ञान, इतना दिमाग, मतलब इतना ऐसे कैसे पढ़ाई करो आजगा। किताब में 370 का जिक्र है? किताब में है ना 370 का एग्जाम। महबूबा मुफ्ती का भी जिक्र है उसमें? नहीं टीवी देखो न्यूज़ सुनो। अच्छा तो बड़ा, वैसे तो बड़ी होगी जितनी होनी थी, हाँ, तो होगा नहीं तो बड़ा होगा, बनना की है क्या करना है? मैं लेक्चरर बनना चाहती हूँ पॉलिटिकल साइंस का। मतलब लेक्चरर बनने खातिर के कुछ चाहिए है? अभी तो फिलहाल बीए में हूं, सेकंड ईयर तो एमबीए करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में कितने परसेंट आए? 81%। उतरी गए, इतने में तीन बालक पास हुए हैं। 81% ठीक है बेबे। तो अच्छा फिर मेरे ख्याल से एमबीए में 55% भी चाहिए, फिर नेट भी क्लियर करना पड़ेगा। हां करना पड़ेगा, हो जाएंगे नेट क्लियर? बिल्कुल हो जाएगा। अरे ग्रुप डी की नौकरी जो ये भरने अभी तो एज ही नहीं हुई थी जब फॉर्म निकले, अब हुए कलर के होंगे भी नहीं भाई, इलेक्शन आ गए तो कैंसिल है। ना छोरी इतनी प्रैक्टिकल है, सारी बात धड़ाले से धड़म 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 धड़म। तो बालका ने अगर पढ़ाना पड़ गया, अब जो करीब तेरे आगे पॉलिटिकल के बालक बैठे हैं, इन तीन क्यों कर लेक्चर एक आधे घंटे का, कब है तू इनके दौरे जाओ है, तो पहले दिन मान ले तू लेक्चरर बन गई और तेरी ज्वाइनिंग होगी इनके कॉलेज में, तो लगातार इन तक कुछ बताना पड़ेगा तो क्या बतावे? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा ना अपने बारे में। एक दिन तो ऐसे में खराब करना है। हाँ तो करिए एक दिन का खराब कैसे करेगी इनसे? खराब करना पड़ेगा। अच्छा तो बहुत बढ़िया यूटिलाइज हुआ है भाई वो दिन। अब बता। हाँ भाई सुनो भाई, नई लेक्चरर मैडम आई तारी पॉलिटिकल की। हेलो बच्चों कैसे हो आप सब? मैं आपकी न्यू टीचर हूँ पॉलिटिकल साइंस की, अभी अभी मेरी ज्वाइनिंग हुई है, मैं एमए करके तुरंत नेट क्लियर होगा। अब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे 2 महीने के अंदर मेरा सब कुछ हो गया। अच्छा तो मैं सबसे पहले आप सबका इंट्रोडक्शन लेना चाहती हूँ, आपका नाम पूछना चाहती हूँ, मेरे फादर का भी बताना, आपका नाम क्या है? माय नेम इज भारती, माय फादर नेम इज दीवान सिंह। ओके माय नेम इज प्रिया, फादर नेम ज्योता सिंह। अच्छा आप सब मतलब कि कौन से गाँव से हो?
पटोदा से। मैं ज़्यादा टाइम तो ख़राब नहीं करूँगी, आप सब जो भी चाहे क्वेश्चन पूछो मेरे से, पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप टेंशन मत लो, जो भी सब्जेक्ट में करियर बनाना चाहता है मैं उसके साथ हमेशा हूँ। जो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे यदि मुझे नहीं भी आएंगे तो भी मैं अगले दिन आपको डेफिनेटली बताऊँगी, सो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। जिसे भी पॉलिटिकल साइंस में करियर बनाना है उसका जरूर बनाए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं हिस्ट्री की तरह और तिथि याद करो कुछ, ठीक है? तो टेंशन मत लो भाई। देखो सीरियसली मैं एक बात बताता हूँ, मैं हिसार के कॉलेजेस में भी गया हूँ और बहुत कॉलेजों में गया हूँ मैं, लेकिन पहली लड़की ऐसी टकराई जो धड़ल्ले से यूं बिंदास तरीके से बोलने लग रही है भाई, अच्छा लगा मैंने बेबे ने आगे लेक्चरर बनाए या बड़का पे मास्टर नहीं पक गया, मतलब जिस तरीके से जो भी करना चाहे करे और बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू बेबे, थैंक यू। हाँ ताली बजा दो भाई, थैंक यू थैंक यू। या तो थी मेरे खातर ताली, इस खातर बजा दो भाई। ओके 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 थैंक यू। अब कोई और लड़की इस तरह से बोल सकती हो, कोई भी लड़की थोड़ा सा कुछ और बात करेंगे उससे? कोई लड़की है क्या इधर से? हाँ अब किसको बुलाएं? हाँ बेबे लटो आइयो, ना ना तू आ जा बेबे। अच्छा अच्छा आधे बैठ जा, तू आराम से बैठ जा बेबे, बैठ जा। अच्छा अच्छा कॉमर्स वाली में तो बुला लूँ, आज कभी कॉमर्स वाली कोई लड़की यहाँ पे? कौन है लड़की भाई, किसकी तरफ उंगली की जा रही है? आजा बेबे आजा, आजा लड्डो इधर इधर। अरे मैं कोई सवाल कौन कटवा के देखूँ बे, आर्ट्स से है कॉमर्स से है? राम राम बेबे, राम राम भाई, ठीक से? हाँ बिल्कुल। कौन कौन से सब्जेक्ट है? अकाउंट बिजनेस मैथ इको। इसने तो मार्ट को हो, अकाउंट बिजनेस मैथ इको। अच्छा कॉमर्स है, मैंने सोचा भले वक्ता मैं आर्ट कर गया मैं तो। अच्छा इतने सारे सब्जेक्ट करने के बाद आगे का टारगेट क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके इसमें? टीचर बनना है मुझे। टीचर बनना है? टीचर क्यों? टीचर की जॉब अच्छी है, लेडीज के लिए सबसे बेस्ट है। जॉब तो सारी सबके लिए बेस्ट है, नहीं लड़कियों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है ये, मतलब क्लास में बैठकर स्वेटर बुन दे रहे हो ऐसा कुछ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसकी हाइट मेरी जितनी नहीं है, नीचे दिखाइए भाई, डेढ़ फुट चौतरे बखड़ी भैया, कदे सोचो मेरी जितनी हाइट है इसकी। तो टीचर बना के पढ़ा सके तू बड़कन है? हाँ। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? अकाउंट मैथ इको बिजनेस। इको का मतलब इकोनॉमिक्स हो भाई, मैंने इतना ही बेरा है इकोनॉमिक्स के बारे में, तो अगर कुछ पढ़ाना पड़े इकोनॉमिक्स के बारे में तो कैसे लेक्चर देगी इनसे, एक बार बता सके थोड़ा सा? हाँ अभी और मतलब लेक्चरर बन के बाद, अभी अगर बोलेगी तो लेक्चर लग जाएगी, इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे, मतलब आराम तो पढ़ना है कोई तोड़ को नहीं। अच्छा फिर थोड़ा सा यूँ बता दें कि इकोनॉमिक्स का फ़ायदा क्या है? इकोनॉमिक्स में हम अपने देश के बारे में जान सकते हैं कि कैसे किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, किस चीज़ की डिमांड घट रही है, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज हो जाता है। अच्छा अकाउंट के बारे में? अकाउंट थोड़ा वीक है, बैंकिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा तो ये कॉलेज लड़कियों के लिए कितना सेफ है? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सेफ कॉलेज है। कैसे? क्योंकि गांव में है, ज़्यादा दूर नहीं है और इतने स्टूडेंट भी नहीं है कि ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो, तो पढ़ाई सही हो जावे। हाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और क्या क्या फ़ायदे हैं इस कॉलेज के? पढ़ाई अच्छी होती है, डिसिप्लिन है। 10 बालक पढ़ाई डिसिप्लिन आपने लेना था, और कॉलेजों से ज़्यादा है। अच्छा हाँ। 120 बच्चे हैं मेरे ख्याल से, 110-120 हाँ, बच्चे। क्लासेस सारी रेगुलर लगे? हाँ रेगुलर लगती है सारे सब्जेक्ट। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू भाई। अच्छा क्लासेस सबकी रेगुलर लगे बेबे? क्यों होगा, ठीक तो है, मैं अभी कॉलेज में रहा हूँ सर हो रहा हूँ मैं, वो भी सर होने फिर हूँ मैं तो। अच्छा किसी क्लास में कोई दिक्कत परेशानी कोई सब्जेक्ट में? ना ना मतलब वो तो सुन ही लेंगे, तो थर से पंगा हो ही जाऊंगा मेरा तो, क्या मैं तो चला जाऊंगा, क्योंकि सर नोट कर रहे हैं कौन हमारे इस कॉलेज के बारे में फेवर में बोल रहा है कौन अगेंस्ट बोल रहा है। अच्छा किसी लड़की को कोई हरियाणवी डांस आता है? छोड़ दो हरियाणवी कविता आती है किसी को, किसी भी लड़की को? अच्छा किसी भी मंत्री के बारे में कोई कुछ बोल सकता है? आ जा बेबे, आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा, शाबाश।
आर्ट साइड ले रही है, क्या ले रही है? आर्ट सेकंड ईयर में है। ओके किसे मेरी आई है? नो फिर फायदा ही नहीं। मंत्री एक मेरे जैसा बन सकता है जो दो तीन बार री ले रहा हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। आप मंत्री बन सकते हो? हाँ। तो मंत्री की तरह बोल के दिखा ले एक बार, मैं पकड़ दूं अगर भारी हो तो। नहीं। अच्छा। भाइयों और बहनों, आप सभी का सबसे पहले मेरा नमस्कार। सब अपने कॉलेज के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं मैं? अभी जैसे पेड़ पौधे ना, ये माने भाई और बहनों खड़ी है सारे। और यहाँ पर आप वोट मांगने के लिए आए हैं। मान लो खट्टर साहब ने आपको टिकट दे दी, और ये कौन सा पटोदा? हाँ। पटोदा गांव के बारे में, आप पटोदा से ही हो ना? तो पटोदा के बारे में बताओ भाई, आप क्या क्या काम करा सकते हो? स्टार्ट। सबसे पहले सभी भाइयों और बहनों का मेरा नमस्कार है। मैं हाँ कोई बात नहीं, ये तो हिल जाओ, कोई बात नहीं। मैं धनखड़ मैं आपके एरिया में वोट मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपके जो एरिया आई हूँ चल मैं नहीं देख रहा। मैं आपके गांव में बहुत अधिक सुधार करना चाहता हूं। मैं इसीलिए मैंने आपके गोद अपने आपके गांव को गोद भी ले लिया है। आपकी जो सड़कें हैं, जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपकी सड़कों की सफाई वगैरह नहीं बनवाऊंगा, सड़कें सुधरवाऊंगा, पेड़ लगवाऊंगा, जो बूढ़े पेड़ वगैरह लगवाऊंगी। ऑब्वियसली आप सभी को पता है हमारा जो पटोदा गांव है बहुत ही खुशहाली का गांव है, और जहां हम कॉलेज इस महाविद्यालय में खड़े हैं ये तो बहुत ही अच्छा है। हमारे लिए बहुत ही फैसिलिटी इसमें उपलब्ध है, जितना भी छोटा है बहुत ही अच्छा है। इसका एटमोसफेयर मैं अपने कॉलेज के बारे में बता रही हूँ। इसके टीचर्स, उनके नेचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं इस कॉलेज में आके हमारे टीचर्स जैसे बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर ऑल दैट। तो भाई इसको टिकट मिलने के लायक है कि नहीं है? नुगा जी है। ओके नाइस नाइस। भाई देखो मेरी छोटी बहन ने इतना बोला, बड़ा अप्रिशिएट है वो उस काम को लिए, मैं इसको धन्यवाद दूंगा, लेकिन कहूंगा भाई अभी इसको टिकट ना दी जाए फिलहाल तो। अच्छा और लड़की कौन है जो कुछ बोल सकती है? देखो आज आपकी एक शुरुआत है, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिनका मन में तो है कि मैं ऐसा बोलूंगी, मैं वैसा बोलूंगी, लेकिन है ना फ़र्क इतना है उसको डर लग रहा है अभी यहाँ पर आने में, ऐसा ही है ना? शुरुआत में सबको डर लगता है। जब हम गाड़ी में से उतरे मैंने भी, मेरे भी टेंशन हो रही थी पता नहीं क्या बोलूँगा, लेकिन जब कैमरा और माइक हाथ में आ जाओ ना फिर के बोलूँ मैंने भी नहीं मेरा लगता। तो ऐसा ही था बेबे, वहाँ से यहाँ तक आने में टेंशन हुआ है, आपके जगह से और यहाँ तक सिर्फ 5 कदम है इतने तक ही टेंशन है, उसके बाद टेंशन नहीं होगी। टेंशन होगी इस माइक का है, उस वीडियो बनाने वाले का है। सच्चाई है, कोई भी लड़की एक आओ, अरे तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर तुम बोलोगे तो, क्योंकि हम नौकरी पाने के लिए कुछ काम करते हैं। नौकरी में जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो पता नहीं कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे, पता नहीं कितनी बार पीर पर जाओगे और कितना प्रसाद चढ़ाओगे, कॉन्फिडेंस वहाँ से भी नहीं मिलेगा आपको, आशीर्वाद ही मिलेगा। इसीलिए कॉन्फिडेंस के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। बेबे एक बार आ जा, तुम आ जा, आ हाँ 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 आ जा आ जा आ जा। बेबे राम राम। राम राम। ठीक से, कौन सी क्लास में? बीकॉम फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में? अच्छा पहला ही साल है बे। आर्ट साइड है, कॉमर्स है? कॉमर्स। कॉमर्स है। कॉमर्स की आपके पास मैडम है या टीचर सर है यहाँ पे? दोनों है। कोई भी एक मैडम कैसे पढ़ाया कर रही हूँ बता दे, उसकी थोड़ा सा वो चीट कराया कर, मतलब क्या मतलब मैडम की मिमिक्री बोला कर रहा था। हाँ तो कर देगी लग गया है। हाँ कोई भी मैडम की एक मिमिक्री, कोई भी मैडम आओ कैसे पढ़ाओगी, आते ही डंडा उठा लेंगी या कैसे, थोड़ा सा बताओ। सर डंडा तो कोई नहीं उठाता, ना अलाउड है, सब प्यार से पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं।
प्यार से तो कोई नहीं पढ़ाता, प्यार से ही पढ़ाते हैं। अच्छा चलो मैडम, कौन सी मैडम है आपकी, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैम पुनीता मैम। अरे ना मतलब चलो ले दिया तो कोई बात नहीं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हमें मैथ्स पढ़ाती है, बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती है। मैथ कैसे पढ़ाती हैं? कोई भी चैप्टर अगर शुरुआत करी है तो कैसे पढ़ाती हैं मैडम, समझ में आ जाता है मैथ? हाँ बहुत अच्छे से, नहीं बहुत अच्छे से समझ आता है। तो मैडम का स्टाइल क्या है? मैम ये चाहती है कि बस सबको समझ में आए, इजी से इजी वे करके हमें पढ़ाती है। इजी से इजी वे तो ऐसा हो सकता है कि मैथ सम लिखा और पीछे से प्रश्नावली में से उत्तर निकाल के टाइप दिया, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। ट्रिक्स वगैरह लेके आती है हमारे लिए कि हमें अच्छे से समझ में आए। ट्रिक्स एक सही तरीका है, सही तरीका है ट्रिक्स, ये मना कर रहे हैं सर वो आर्ट्स वाले हैं ना, कॉमर्स वाले तो हाँ। अच्छा आर्ट वाले पागल है ना, मेरा सर ऐसा नहीं है, पागल तो नहीं है पर जो चीज़ पढ़ता है उसको नहीं, इतनी समझ भी नहीं है, है ना? जो पढ़ता है उसको पता रहता है ना सर। अच्छा ये तो पढ़ देगा नहीं, कॉमर्स जो पढ़ता है हाँ मतलब ये कॉमर्स पढ़ ही नहीं सकते हाँ देख मैथ है इनके पास, हाँ पहले दसवीं में आठवीं मैथ है इनके पास, दसवीं में आर्ट्स होती नहीं है सर। अच्छा तो मतलब क्या कुछ पढ़ सकते हैं, मतलब मैडम पढ़ाते कैसे हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल देना भाई। हाँ आज आई मैम, उन्होंने बुक खोली और शुरू कर दिया, कैसे? कभी मैम ने आपको डांटा है? नहीं कभी नहीं डांटा, मैडम भी ढीली है थोड़ा सा मैं अगर मैथ का टीचर होता दो चार खींच के लूँ, और मैं ऐसा कुछ टेस्ट लिया मैडम ने कभी आपका? सर अभी तो सिलेबस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा, यूनिट जब टेस्ट होगा अभी तो चल रहा है सिलेबस। अच्छा अभी तो बच रहे हो अगर आप मैथ की टीचर लगोगे तो कैसे पढ़ाओगे बच्चों? सर टीचर लगना ही नहीं, और क्या लगना पड़ेगा? बैंक में जॉब करनी है। बैंकर्स, बैंक में क्या मैनेजर? नहीं सर पीओ। पीओ, पीओ के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। पढ़ लेंगे सर। और मैथ ना जी ना ना अभी मैथ के लिए तो बस वैसे तो कोई ज्यादा सा सिलेबस आता नहीं, रीजनिंग बड़ी टफ आती है, है ना? तैयारी व्यारी चल रही है कुछ? सर अभी तो नहीं, अभी तो फर्स्ट ईयर है तो धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ओके तो बैंकर बन जाएगी? बैंकर कितनी लड़कियां बनना चाहती हैं बैंक में जॉब? दो दो तीन लड़कियां, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं भी आ जा, आ जा इधर आ जा एक बार। अरे सिंपल सी बात पूछूंगा मैं, इधर आ जा लड्डू, तू भी आ जा भाई, वेरी गुड। देखो चारों लड़कियां पैसे गिनने में बड़ा इंटरेस्ट रख रही हैं। और भी कोई लड़की बैंकर बनना चाहती है? ना कोई नहीं बनना चाहती। बैंकर क्यों? सर बस बनना है बैंक मैनेजर, बैंक में मैनेजर लगना ही लगना है। लगना ही लगना है। हाँ। कुछ तैयारी व्यारी कुछ की है? अभी तो नहीं है पर करनी है। करनी है। बैंकर क्यों? ऐसे ही सर। ऐसे ही मतलब कुछ और समझ में नहीं आया तो बैंकर ही बनना है? नहीं सर यही बनना है हमें, तो अभी तो कॉमर्स लिया है। ओके बैंकर क्यों? सर वुमेंस के लिए अच्छी जॉब है वैसे बैंक में। वुमेंस के लिए अच्छी जॉब है, टीचर की भी तो अच्छी जॉब है सर, लेकिन हम बैंक में चाहते। बैंक में इंटरेस्ट है, मतलब पैसे होने चाहिए, पैसा पैसा है ना? हाँ होना चाहिए, होना चाहिए, क्या बुराई है? अगर पैसा आएगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है सर, सब पैसे के लिए तो कमाते हैं, पैसे के लिए ही कमाते हैं। तो बैंकर के लिए कोई और प्लानिंग? यहाँ की पढ़ाई काफी है बैंकर के लिए? नहीं तो कहीं हम बीकॉम कर लें, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, साथ साथ में भी तो कोचिंग ले सकते हो। हम तो नहीं ले रहे। अब नहीं ले रहे, लेना शुरू कर दो। वैसे कोचिंग वाले क्या करते हैं, छठी से लेकर दसवीं तक आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर बैंकर वैसे ही बन जाओगे, ज़्यादा मुश्किल होता है। एक मैथ और रीजनिंग पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अच्छा होना क्या चाहिए, प्रॉपर तैयारी क्या होनी चाहिए बैंकर की, आप चारों में से कोई बता सकता है? कैसे तैयारी की जा सकती है, बैंकर की जॉब कैसे मिलेगी, बता सकती है बे? नहीं बता सकती है? नहीं पहले तो बैंक मैनेजर बनने के लिए पहले पीओ लगना पड़ेगा, उसके बाद ही तो बैंक मैनेजर। पीओ लगने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? पहले बीकॉम के बाद एमकॉम करनी है, उसके बाद फॉर्म निकलते रहते हैं ग्रेजुएशन बेस पे बैंक के लिए, वो भरने हैं और तैयारी करते रहो। तैयारी क्या, कैसे तैयारी? सब कुछ मैथ रीजनिंग सब कुछ पढ़ना है, जनरल नॉलेज सब कुछ, जितनी भी बुक्स आते हैं। बैंकर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर वही पहले ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भरना है या पोस्ट ग्रेजुएशन पे भरना है, उसके बेसिस पे फॉर्म भर के कोचिंग लो, उसकी तैयारी करो, पास हो जाओ तो बाय लक, बाकी नहीं तो फिर रोटियां तो है ना।
वो तो है ही, फिर वो तो सबको ही करना है, कोई भी जॉब कर लो, घर का काम तो करना ही पड़ता है सर। नहीं, लड़कियां आजकल कहती हैं कि हमें नौकरी मिल जाए बटे वो अपने आप कर लेगा काम। बटे वो नहीं करता सर, करना पड़ता है काम। नहीं करेगा काम, बतेरे हैं बेरोजगार सारे हैं, नहीं करना है भाई, हम तो घर ही संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसा ही है? नो सर, नो नहीं है। घर का काम करना भी बड़ा बहुत टेढ़ा काम है ना। कमा लो एक महीने का, लेकिन घर का काम तो करना ही पड़ेगा, रोटी तो बनानी पड़ेगी, किसी के हाथ की नहीं अच्छी लगती। ये स्टैंडर्ड की बात आ गई अब। चलो ठीक है भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भाई देखो, अब मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, बड़े हो के आप, वैसे तो बड़े हो गए, अब इससे बड़े नहीं हो सकते आप, कोई भी चीज़ पे फोकस करो, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। आपके अंदर उतने एफर्ट्स होने चाहिए, उतनी मेहनत होनी चाहिए। अभी ये लड़कियाँ कह रही है बैंकर बनना है, कुछ लड़कियाँ कह रही है हमें प्रोफेसर लेक्चरर बनना है, तो अब इसलिए बड़ा इजीली बन सकते हो, उसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आज आप ये सोचो हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद पीजी कंप्लीट करें, फिर हम कोचिंग लें, तब तक बूढ़े हो जाओगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा उस लेवल पे जाके। अभी आप एक्टिव हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, अभी दिमाग पे इतना बर्डन नहीं है। और ऑनेस्टली एक बात मैं बताऊं, आज के टाइम पे सबसे आसान जो चीज़ है वो नौकरी से भी सबसे आसान है, जो पढ़ाई है। आप सभी यहाँ पर हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई अदर बोदरेशन नहीं आपके ऊपर, आपके सामने जो प्रोफेसर प्रिंसिपल जो बैठे हैं ना, इतनी टेंशन है, अगर उनको कहे ना कि भाई पढ़ाई करना आसान है, पढ़ाना आसान है, पढ़ाई करना आसान है अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप उनकी दुविधाओं को समझेंगे तो वो कहेंगे भी पढ़ाई करो, सबसे आसान सबसे इजी काम है। लेकिन इस टाइम पे आपको पढ़ाई सबसे मुश्किल लगती होगी, ऐसा ही है क्या? हमने इतना लेक्चर पे आ दिया, अब ये कह दे हाँ मुश्किल है तो मुश्किल हो जाएगी फिर। तो सीरियसली पढ़ाई बड़ा आसान काम है, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना है। तो हम थोड़ा सा किसी के पास कोई सॉन्ग वगैरह है क्या? सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग? हाँ, डांस के लिए। हाँ, गाना कौन सा बजा फिर, कहाँ पे है? ओ, मैं गाना कौन सा चलाऊं? भाई थोड़ा सा वेट किया जाए, तब तक मैं कोई एक मेरी छोटी बहन आई है, वो सिंगिंग है ना? ओके, कौन सा गाना है? उंगली पकड़ के सोने। ओके, पकड़ो इसको, सुनो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते, बाबा मैं तेरे मन का टुकड़ा हूँ, तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार कराते, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो हो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो हो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, फसलें जो काटी जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो, ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो, दहलीज ऊंची है पार करते, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो हो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो हो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। थैंक यू। रुक जा छोरी, सिंगिंग कभी प्रैक्टिस की है सिंगिंग की? नो सर, ऐसे ही जैसे स्कूल में किसी का बर्थडे है उसके लिए प्रिपेयर सॉन्ग प्रिपेयर करके। अभी फर्स्ट ईयर में? सेकंड ईयर में हो? फर्स्ट ईयर। अभी कॉलेज के यूथ फेस्ट वगैरह भी होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करो, हरियाणवी, लेकिन वहाँ पे यूथ फेस्ट में हरियाणवी सॉन्ग ज़्यादा चलते हैं, तो उनकी तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, तो आगे भगवान और ऊंचे तक पहुँचाएगा आपको, ठीक है? ओके राजे, गॉड ब्लेस यू। और लड़की कौन है जो सिंगिंग कर सकती है? कोई लड़की है? ओके, एक लड़की बता रही थी कि चुटकुले अच्छे सुनाती है। बब्बू राम राम, बेबे ठीक से? हाँ।
चुटकुले। हाँ ओके सुनो। एक बार एक छोरा का एक्सीडेंट हो गया है तो पुलिस वाला उसने घर ने लेके आवे है। घर नाग कह है गाड़ी ऊपर के उतर गई पापड़ बन रहा है दरवाजा खोल दे। उसकी बहू कह है फिर खोलन की क्या जरूरत है नीचा दे सरका दे। ओके एक बार एक बुढ़ा एक छोरा तो पूछे है भाई पढ़ाई किसी की चल रही है नुका ताऊ कति तेरे बरगी नुका नू क्यों कर नुका राम भरोसे। एक बार एक गांव में बाढ़ आ गया है उसमें स्कूल भी रहे हैं सारा स्कूल डूब गया है सारा बाड़ा खुश होया अंडा भाई स्कूल डूब गया। एक रोता रहा है नुका चलो भाई पूछांगे क्या बात हुई उतर जा कह भाई क्या बात हुई तू क्यों रोवे है नुका स्कूल तो डूब गया पर मास्टर एक भी ना मरिया। मास्टर देखे तेरे कान। ओके एक बार एक बस में बुढ़ा बैठा रहा है एक बुढ़ी रहा है तो वह बुढ़ी कहे ताऊ की जागा वो कुछ ना बोले फिर कह ताऊ की जागा वो शर्माता कुछ ना बोले मेरे उम्र की मेरे तो ताऊ कह। तीसरी पे फिर कह ताऊ की जागा नु कह बेटा जाना था रत तक पर इब तेरी खतर छोरा ढूंढन जाऊँ। एक बार एक सड़क पर पुलिसिया खड़ा रहे है तो उस सुबह तो कोई भी ना था आया वो कह एक बाइक वाला आवे है नुका लियो भाई इससे न पकड़ांगे तो नुका रुक जा इसमें लाइट कौन है नुका हट जा इन ब्रेक भी कौन है। एक बार एक बस में गंजा खड़ा रहा है अच्छी भीड़ रहा है बस में तो उसका धक्का आवे है एक सौ गंजा जागे लग गया है नुका डट जा ना क्यों सर पर चढ़न हो रहा है नुका छह सिर पर चढ़ूंगा तेरी पटना जाऊंगा। एक बार एक छोरा का रिश्ताड़ा आ गया है तो उसका पापा नु कह है भाई कुछ भी और डबल बतानी है नुका ठीक सा पापा वो बारने चला जा है तो वे कह है भाई यो घर थारा है नुका यो के दो घर मारे अगली गली में दो घर पाछली गली में फिर कह है या गाड़ी थारी है नुका या के दो गाड़ी अगली गली में दो पाछली गली में। इतनी देर में पापा आ गया है नुका भाई यो पापा तेरा है नुका यो के दो पापा अगली गली में दो पाछली गली में। एक बार एक टीचर पूछे है बालका तक भाई आज तुमने कोई नेक काम करया नुका हाँ करया नुका के करया नुका एक बुजुर्ग आराम था अपना करने जा रहा था हमने कुत्ता पाछा लगा दिया तावड़ी पहुंच गया। एक बार एक रेलवे स्टेशन पर बुढ़ा रहे है तो कह है भाई एक न्यूज़पेपर दियो नुका ताऊ इंग्लिश का देवा हिंदी का नुका किसाए दे दो रोटी लपेटनी है। एक बार दो दोस्त इकट्ठे रहे हैं जाते रहे हैं एक कह भाई मारे गांव में तो यार रिवाज है छोरा होया तो प्याज हो टमाटर होया और छोरी होई तो प्याज होई नुका ठीक सा भाई थोड़ा दिन बाद हुए दोस्त का दोनों बड़ा इकट्ठा हो गया है वो आ कह मुबारक हो भाई थारे सलाद होई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लास्ट है भाई अब और भी कोई लड़की कुछ सुनाना चाहती है क्या डांस कौन ओके आरती तो रुके एक बारी कर दे शुरू। राम राम बेबे राम राम और ठीक से बढ़िया तो डांसिंग वाओ तो मैं एक बार गाना चला दूं भाई इस पर कैमरा फोकस कर ले थोड़ा दाएं बाएं घुमा ले यो कैमरा मैन समझाना पड़ा मुझे कौन सा सॉन्ग चलाऊं बे अभी डाउनलोड किया था आपने नाम बता दे एक बारी उत्तरी का and get it delivered home. मैं वहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई लड़कियों, तुम्हारी क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। सारी चीज़ मैंने सिखानी पड़े।
ओके ओके ओके, यहाँ पे बेबे, ये गाना क्यों सिलेक्ट करा? मेरे को सलमान खान बहुत पसंद है, इसलिए उसके गाने पे डांस करती हूँ हमेशा। मैंने आज तक नहीं समझ पाया 9 से 11 का क्या मतलब होया? वो चलती है क्या 9 से 11? 9 से 11 को 12 को है? टाइम है, हमें क्या लेना है, डांस से मतलब है, कुछ भी हो। ठीक है बेबे, ठीक है ठीक है। तो भाई एक थैंक यू, तो भाई एक छोटी सी मस्ती की पाठशाला थी, बच्चों से बात करनी थी, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ इनका थोड़ा सा माइक पे बोलने की कोशिश ये कर लें और अच्छे से खुद को प्रूव करें कहीं ना कहीं। तो जितनी कोशिश मैं कर सका हुई और जितनी कोशिश ये कर सके इन्होंने की, तो धन्यवाद बहन, बाय, सी यू। ओके भाई, जय हिंद, भारत माता की जय।